UPTET 2018 का संस्कृत का मॉडल पेपर है। इसमें आपका पहला है वणेपी में वणेपी पदे का संधि, इसमें आपका दूसरा नंबर बिल्कुल सही होगा पूर्व रूप। अगला है नीति मार्ग के ना परिलंती, इसमें कुलीना होगा, 62 का 3 नंबर है। अगला तत्रय में संधि है, तत्रय में आपकी वृद्धि संधि होगी, इसमें तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। अगला संस्कृत में आयोग वाहयोग की संख्या कितनी होती है, ये 4 होती है आपको, इसमें दूसरा नंबर बिल्कुल सही है। अगला है अनुरूपम में समास है, अनुरूपम में आपका अव्ययी भाव समास होगा, इसमें तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। और आपका 66 कौन हस स्वर हस नहीं होता है, आपका इसमें ओ, इसमें आपका चौथा नंबर को सही होगा ओ। 67 सहयुक्त प्रधाने सूत्र में किस विभक्ति का बोधक है, आपका तृतीय विभक्ति का बोधक है। अगला है वाल्कापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, वाल्को धन अपि, पहला नंबर को सही होगा। अगला बगले को संस्कृत में कहते हैं बकहा, इसमें दूसरा नंबर को सही होगा। अगला है हरे कुदरती में, हरे में कौन सा कारक है, मतलब हरे पे कौन गुस्सा कर सकता है, लक्ष्मी जी कर सकती है, इसमें आप संप्रदान होगा, इसमें तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। अगला अस्मत शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा, नहा होगा इसमें, इसमें दूसरा नंबर बिल्कुल सही है। अगला है रमा शब्द का चतुर्थी एकवचन रूप क्या होगा, ये रमाए होगा, आपका तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। अगला है पितृ शब्द का सप्तमी एकवचन रूप क्या होगा, पितरी, आपका दूसरा नंबर बिल्कुल सही है। अगला एक प्रत्याहार के अंतर्गत में आते हैं ई उ र ल, आपका तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। 75वां महेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14 है। अगला 76 अंग डा का उच्चारण स्थान है, कुछ लोग इसको अंगा भी मान कर करके आए हैं, जो लोग अंगा करके आए हैं उसके हिसाब से नासिका होगा, जो लोग डा करके आए हैं उसको मूर्धा होगा, इसमें डा ही है, तो जिसने मूर्धा किया वो बिल्कुल सही है, अंगा वालों को थोड़ा सा डाउटफुल है। अगला है आपका चौराभ्यम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है, इसमें आपको ये पंचमी विभक्ति का है, तीसरा नंबर बिल्कुल सही होगा। पितरन शब्द में विभक्ति और वचन क्या होगा, पितरन में आपका द्वितीय विभक्ति होगी और बहुवचन होगा। अगला नदा शब्द में विभक्ति और वचन क्या है, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का है ये। अगला षष्ठवती हिंदी संख्या का बोधक है, षष्ठवती के मतलब होता है 96, इसका आपका 80 का दूसरा नंबर को सही होगा। अगला आपका 81 नंबर, 81 है भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन बताओ, इसमें लोट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन है। अगला आपका सर्वनाम शब्द नहीं है, सर्वनाम शब्द कौन सा नहीं है, अपि नहीं है। स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति कौन सी, चतुर्थी विभक्ति होगी, 83 का पहला नंबर सही है। कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है, कादंबरी लिखी आपकी बाणभट्ट जी ने, दूसरा नंबर सही है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित विचित्र नाटक है, ये तीनों महाकाव्य रघुवंश कुमार संभवम और मेघदूतम, सिर्फ माल विकाग्रिम ये आपका तीसरा नंबर है, जो है ये आपका नाटक है, तीसरा नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला है व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको 86 बता रहा हूँ मैं, व्यंजन संधि का उदाहरण है आपका सज्जना, आपको तीसरा नंबर को सही होगा। अगला है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द क्या है, वयम, ये आपको तीसरा नंबर को सही होगा। ध्रा धातु में किस प्रत्ययोग करने पर रूप बनता है, ध्रति, आपका तीसरा नंबर को सही होगा। छंदानुगति शिक्षण प्रणाली कैसी होती है, ये आपकी पद्य की होती है, 89 का पहला नंबर से बिल्कुल सही होगा। अगला शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा, त्वं गृहं गच्छसि, चौथा नंबर बिल्कुल सही होगा इसका। अब सभी लोग ईवीएस में आ जाइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। एस एस स्वामीनाथन कौन थे, एस एस स्वामीनाथन थे पारिस्थितिकी वैज्ञानिक। अगला है आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, देहरादून में है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। अगला है अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीव को मृतक भक्षी कहते हैं। तप्त जो भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा बनती है, तो इसमें दो प्रश्नों दो उत्तरों में डाउट है, एक तो पहला जल विद्युत ऊर्जा, दूसरा भूतापी ऊर्जा, वैसे इसमें भूतापी ऊर्जा बिल्कुल सही होना चाहिए, तो आपका तीसरे 126 का तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। अगला है आपका शोला, शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके पश्चिमी घाट, पहला नंबर बिल्कुल सही है। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं, इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन इसमें सभी जगह है, इसमें चौथा नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें पारे की मात्रा अधिक होती है, 129 का दूसरा नंबर बिल्कुल सही होगा। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस परत पर हुआ, ये आपका उत्तरी ध्रुव है आपका, इसमें 130 का पहला नंबर बिल्कुल सही है। इनमें से कौन भारत का प्रमुख न्यायाधीश और पहला था, ये आपका हीरालाल जे कानिया, ये आपका तीसरा नंबर बिल्कुल सही होगा।
अगला है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ये आपका विलुप्त जीवों के करीब जीव जो होते हैं, विलुप्त प्रजाति वाले होते हैं, उन्हें हम रेड डाटा बुक में डालते हैं। अगला है आपका, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? रेखा शर्मा जी हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होती है। अगला है भारत संविधान के किस भाग में पंचायती व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ये आपका 135 का पहला नंबर, बिल्कुल सही है, 9। अगला है आपका, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है किससे? इस ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, इससे पहला नंबर बिल्कुल सही होगा। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ये आपको सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें चौथा नंबर बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ये आपका अमेरिका से लिया गया है, इसमें आपका पहला नंबर सही है। कुछ लोगों ने इंग्लैंड भी किया है, लेकिन इसमें पहला नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ये आपका भारत का निर्वाचन आयोग, पहला सही होगा। भारत लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, इसमें पहला नंबर को सही होगा। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ये आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ये आपका 143 का तीसरा नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? मीथेन है जो वातावरण में सबसे अधिक गैस रहती है। अगला आपका 145, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ये आपका क्लोरोफिल हो गया इसमें। अगला है, मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? ये आपका इसमें उक्त सभी होंगे। 147, यू फार्वेसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल के लिए होती है? ये आपके जेट्रोफा है, पहला नंबर सही। 148, जड़ी बूटियों की रानी आपकी तुलसी कहलाती है। पीने के लिए सुरक्षित पानी क्या कहते हैं? इसमें अपने कुछ लोगों ने आशुत जल किया और कुछ लोगों ने पीने योग्य जल किया है, वैसे आशुत होना चाहिए इसमें। अगला है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा हुई थी? 150 का पहला नंबर सही। अब चलते हैं गणित के छात्रों के लिए गणित के प्रश्न, देखते चलिए। पहला है, पी का पी परसेंट ये आपका 3600 होगा। अगला है, 2352 का जो भी एक्स वाई जेड का योग पूछा गया वो आपका 7 होगा। 100 के समभाजकों की संख्या 5 होगी। 15 घन भुजा वाले किसी घन में से 3 भुजा काटने वाले कितने किए जा सकते हैं? ये आपके 125 होंगे। और 95 में 3 की घात 1989 में 7 का भाग देने पर, ये थोड़ा सा डाउटलेस सवाल है, इसमें दो उत्तर लोगों ने बताए हैं, और इसमें एक तो 0 है